मैं बुलाना चाहता हूँ रजत सबरवाल को। रजत जो है मेरा एक स्टूडेंट है, और जितनी भी आपने अभी पीपीटी देखी है, मैं दिल से थैंकफुल हूँ रजत का। उसने खुद ये सारी मेहनत करके मुझे ये रिटर्न गिफ्ट दिया कि सर आप जो पढ़ाते हो बहुत अच्छा पढ़ाते हो, पर कहीं ना कहीं पे प्रेजेंटेशन में कमी आ रही है। भगवान ने पता नहीं कहाँ से हम दोनों को मिलवाया और कैसे उसको लगा कि नहीं यार मैं इसमें जो कुछ करके दे सकता हूँ करके दूंगा। तो रजत ने तहे दिल से उस पीपीटी को बनाया, और वाकई आज जो भी तारीफ है मैं कहता हूँ रजत को जानी चाहिए, क्योंकि मेरा काम अब सिर्फ 25% का रह गया। मेरे माइंड में जब रजत को मैंने पढ़ाया था तो कभी हम व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप बुक कर रहे होते थे, भाई जूम पे तो आप बैठ के आ गए, पर अब वो करे कैसे, वो पीपीटी कैसे बनाए, तो वो मेरा माइंड उस पर चल नहीं रहा था। ये तो था कि हमें कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को क्या करना है कैसे करना है, पर रियली आई एम थैंकफुल टू रजत जिसने सारा का सारा बनाया। रजत थोड़ा बता भाई अपने बारे में। और आपने तो तारीफ कर दी सर, अब मेरी बारी। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि सर पीपीटी तो एक बहुत छोटी चीज है। उसके अलावा जो आपने हमें जितनी भी चीजें दी हैं आप देख सकते हो, ये रोज का ये हमारे मंत्र जो है ये हाथ पे ही रहते हैं, 9 नंबर 15 नंबर यंत्र, तो दिस इज, तो अब ये डेली रूटीन का हो गया एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज सर, मैं बेसिकली आपको पता ही है किस पर्पस के लिए सीख रहा था, बेसिकली अपने लिए ही सीख रहा था मैं खुद। आई डोंट वांटेड टू डू एनी कंसल्टेंसी और समथिंग, आई वांटेड टू डू फॉर माई सेल्फ। और आई थिंक विद इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आई हैव सर्टेन चैनल्स, जॉब छोड़ने के बाद कुछ करा ऐसा कि जैसे यूट्यूब के चैनल्स खोले और वो सब खोला, तो अब मैंने सारे चैनल्स के नाम चेंज कर लिए हैं। एंड द सरप्राइज इज दैट विद इन अ वीक और सो मेरे दो चैनल जो है वो मोनेटाइज हो गए। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यही मैं कहता हूँ कि भाई आप उसको बिलीव तो करके देखो, रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। तो वो चीज हुई है सर, बिल्कुल हुई है वो। और मैं यहाँ से सबसे शेयर भी करना चाहूंगा, आई एम सॉरी मैं पहले बोलना भूल गया सबको हेलो। एकदम से सर ने तारीफ करी उसके बाद मैं एकदम से शुरू हो गया। तो पहले तो हेलो टू ऑल। और मेरे ख्याल से कौन सी क्लास है आप सबकी? है आज हमने खत्म किया है 100 नंबर्स और पंच लाइंस। सर हाफ हो गई, मतलब हाफ न्यूमरोलॉजिस्ट हो गए हैं। हो गए बिल्कुल हो गए। ओके, परसों हमने नेम स्पेलिंग के चेंज करवा दिए थे इनके। अच्छा नेम स्पेलिंग के, तो वो नेम चेंज जो है वो सिर्फ अपना ही नाम का नहीं है, बेसिकली बिजनेस का हो या चैनल का हो या ईमेल का हो, कितनी भी चीजों से हम रिलेट कर सकते हैं और कितने भी नंबर्स का हम फायदा उठा सकते हैं, बेसिकली वही चीज है। तो मैंने अपना जो था वो 5 पे तो लाया ही लाया, कहीं जगह पे मैं 1 पे भी लाया। तो बेसिकली दोनों का कॉम्बिनेशन बना के सर से बात करके एक दो बार। अपनी डेट ऑफ बर्थ ही बता इनको, तेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्यों तूने इतना अच्छा क्रिएटिविटी करी है वो मैं बताना चाहता हूँ इनको। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 03/06/1982। तो मैं 3 नंबर वाला हूँ और मेरा जो कंडक्टर है वो 2 है। तो बेसिकली वो 2/11 और 2 बनके 2 बनता है, तो ये दोनों मिक्सचर है मेरे अंदर। सर क्या बताना चाहते थे आप उसका? और क्या क्या समझ में आया, क्या क्या करने के बाद क्या क्या लाइफ में फायदा दिखाई दे रहा आप? सर मेरे ख्याल से जो मैंने इतनी बड़ी बात अभी बता दी कि अच्छा मैं ये भी बताता हूँ कि ये चैनल बेसिकली चल रहे थे पिछले 8 महीने से। क्या चल रहे थे? देयर आर अप्रॉक्स जो चैनल्स हैं वो 8 महीने से चल रहे थे। अच्छा 8 महीने चल रहे थे, ओके ओके, पुराने चल रहे थे हाँ। और उसके अंदर मैं करीबन 600-700 वीडियोस भी डाल चुका था। इफ यू वांट आई विल शेयर इट विद सर, सर आपसे शेयर कर सकते हैं, आप सब में ऐड आ रही है। जी जी जी, तो हाँ हम सब उसको लाइक कर देते हैं, हमें क्या दिक्कत है, सब्सक्राइब करो सर। और 12 सब्सक्राइबर और मिल जाएंगे मुझे, बिल्कुल मिल जाएंगे। तो जैसे ही नाम चेंज किया विद इन, क्योंकि टाइम लगता है यूट्यूब को भी हर चीज को प्रॉपर देखने के अंदर, तो जैसे ही मैंने नाम चेंज किया वाइब्रेशंस में भी टाइम लगा होगा, तो आई थिंक विद इन 2 वीक्स मेरा जो चैनल था उसमें सब्सक्राइबर का रेट बढ़ा, एक बहुत ज्यादा ट्रेंड हो गई वीडियो, 22,000-21,000 चले गए उसके व्यूज, उसकी वजह से तुरंत जो था वो मोनेटाइज हो गया। कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। तो बेसिकली सबका अपना अपना आई एम श्योर मकसद होगा यहाँ पर कि किस वजह से वो इस कोर्स में आए हैं। मेरा मकसद बेसिकली यही था कि मैं अपने लिए एक ऐसी चीजों को ठीक कर सकता हूँ। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा,
पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ, सर ने जो सिखाया वो तो बहुत ही बढ़िया है, मतलब नंबर वन है। ये तो फैक्ट आपने बोला, ये तो बिल्कुल फैक्ट बोला सर का, समझाना मैंने ऐसा आज तक नहीं देखा कोई टीचर जो इतने बहुत बहुत कहते हैं ना हमें, मतलब खुद पेशेंस लेके हमें सिखाते हैं। मुझे लगता है कि ये कपड़ों घड़ी पे ना कपड़ा डाल देते हैं शायद, तो इनको इनको पता नहीं चलता टाइम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये नागेश जी करते हैं, मैं नहीं करता ना, आप भी करते हो सर, ये आप भी ऐसे ही लगता है जैसे कपड़ा वपड़ा डाल देते हो, टाइम तो छोड़ो और पहनते वहनते भी नहीं। ये घड़ी भी रूटीन में इन्हीं की उससे आई है मेरे, क्योंकि कमी थी कुछ नंबर्स की। मेरे ख्याल से रेमेडीज का पार्ट आपका हुआ है कि नहीं हुआ अभी? अभी नहीं, 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 अभी नहीं, नहीं, अभी नहीं। वो आपको फिर ये धीरे धीरे पता चल जाएगा रेमेडीज के अंदर। तो ये घड़ी भी एक्चुअली क्या है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और बेसिकली वो पैदा करती है, खास करके जिस नंबर की मेरे में कमी थी। तो जैसे मैं बता रहा था कि इट इज ऑल बिकॉज ऑफ सर, नो डाउट इन दैट। और ये टाइम तो बिल्कुल देखते ही नहीं थे, हमारी क्लासेस भी जो आई थिंक 10 दिन की क्लास थी एंड वो फिनिश हुई पूरे 13 दिन के अंदर। नहीं सर, हम भी सर को खींचेंगे 13 दिन तक। वो आपको खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर सर को लगेगा ऐसा बिल्कुल के मतलब जरूरत है। नहीं सर, जल्दी सर जल्दी पीछा नहीं छुड़वाएंगे हमसे। एंड देन देयर इज अ ग्रुप आल्सो, तो उसके अंदर भी कभी कोई कंफ्यूजन हो जाती है या कुछ हो जाता है। तो मैं ये चीज एक और बता रहा था कि बेसिकली ऑब्वियसली गाइडेंस तो सर की चाहिए ही होगी हर पड़ाव पे जब हम कर भी रहे होंगे। मेरे साथ क्या हुआ था कि आई ट्राइड चेंजिंग माई नेम 2-3 times। ओके, तो पहले तो मैंने खुद करके देखा, तो उसके वाइब्रेशन जितने, मतलब आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सा आपने सबने बताया भी होगा कि लिखो भी नाम को रोज। हाँ सर ने बताया, उसकी वाइब्रेशन अच्छी होती रहे, तो वो भी मैंने किया, बट लेकिन चीजें नहीं हुई। अब सर में या तो एक्सपीरियंस है या क्या है, फिर सर से नाम चेंज कराया तो फायदा हो गया, तुरंत ही फायदा हो गया 2-3 दिन में। अब या तो इनके पास कोई एक जादू है, वो जादू भी बता देना यार। God help those who help themselves, एक ही जादू है बस। ये अभी जो आप बता रहे थे ना 1450, एक्चुअली मैं किस पे लेके गया था, मैं दूसरे नंबर पर लेकर गया था पहले 50 ही, लेकिन जब से आपने 50 करा ना, बस यही समझने वाली बात है कि वो स्पीड को रॉकेट में लग गया, वो 5 के पीछे जैसे 0 लगता है वो रॉकेट बन गया, क्योंकि जिस नंबर के पीछे 0 आ जाएगा वो उसको बिल्कुल रॉकेट कर देगा, चाहे वो 10 हो, चाहे 40 हो, चाहे 50 हो, चाहे 60 हो। वो 41 था पहले या क्या था, मेरा 41 था, नहीं आ रहा था। हाँ, 41 था, तो हाँ, वो चीज नहीं हो रही थी, आपने फिर उसको 50 कर दिया। वो नेम बैलेंस नहीं हो पा रहा था ना, जैसे उसको बैलेंस किया तो उसका कमाल आ गया, वो कुमार तभी तो लगाया था हमने। हाँ, तो वो मेरे को फायदा हुआ उससे। तो बेसिकली यही है कि अभी तो इस्तेमाल चल रहा है, मेरे को भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ सर से कोर्स किए, इट इज जस्ट आई थिंक 3 महीने मेरे ख्याल से। तो मैं तो अभी, मेरी तो फ्री कंसल्टेशन ही चल रही है, क्योंकि सर ने कहा था पहले 6 महीने तो यही करो, अपने आप को थोड़ा सा गियर अप करो। जितेंद्र जी है हमारे साथ, जितेंद्र जी ने तो कुआ नंबर लिख के 15 लाख रुपए कमा लिए है। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और अभी इन्होंने कंसल्टेंसी भी दे दी कुआ नंबर से, जितना इनको फायदा हुआ, मतलब वन डे। हाँ, कहाँ लिखा था सर जितेंद्र सर, आपने कहाँ लिखा था? यही लिखा था, अनम्यूट। जितेंद्र जी जो है पहले कोर्स करके आए अरविंद सर का, ओके, फिर इन्होंने मुझसे अपने बेटे की फाइल बनवाई पहले, इन्होंने पहले चेक तो करूं कुछ आता भी है कि नहीं आता। सही बात है, वही सोच के आपको फोन किया था सर मैंने। फिर उसके बाद इन्होंने कोर्स सीखने आए। ओके ओके, एक्चुअली क्या है, जो अपना अरविंद सर है बहुत तारीफ करते हैं बजाज सर के, तो मैंने सोचा अरविंद सर को 51,000 रूपए देना है फीस कोई चीज के लिए, कि अपने सर से एक बार मिल लेता हूँ, समझ लेता हूँ, तो फिर 5 ईयर में काम हो जाएगा अपना। सीख भी दूंगा मेरे इकोनॉमिक देख। और देखो सूरज तो सूरज ही है। नहीं सर, सूरज की जो रोशनी वो भी ज्यादा कभी काम कर जाती है। इन्होंने क्या किया, उनका ना एक फोरम है। हमारा सूरज कौन है सर? हमारे साथ शनि खड़ा हुआ है। तो शनि फिर अच्छा ही कर रहा है, शनि अच्छा ही कर रहा है, बिल्कुल अच्छा शनि कर रहा है अच्छा। हाँ, डरना किस बात का, साउथ डायरेक्शन। कल इन्होंने क्या किया, कल इन्होंने एक फोरम है अरविंद सर का,
वहाँ पे ना डिटेल्स देते हैं कि भाई इसके बारे में बताओ, तो सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी राय देते हैं, तो उसमें तीन लोगों के आंसर जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं, भाई आपके बेस्ट आंसर थे, इन्होंने उसमें करके भेजा तो इनको भी उसमें सिलेक्ट किया गया कि बेस्ट आंसर है आपका, अभी इन्होंने पूरा सीखा नहीं है। वाह 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 वाह, इनका तो साइकिक भी काम करने लग गई है मतलब। हाँ बिल्कुल, ड्राइवर चार कंडक्टर दो है इनका। दो तो चलो फोर नाइन टू पूरा है ना इनका, वो मेन चीज है वो ही सबसे पहला वाला। डबल टू डबल सेवन दोनों है मेरे पास, सेवन भी है और डबल टू भी है। चलो पवन जी भी आ गए हैं हमारे साथ, मैं आप चाहूंगा पवन जी प्लीज आए और पवन जी से भी उनके एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। थैंक यू रजत, पर तो भी रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, प्लीज रहिए हमारे साथ। मैं आई हूँ।